अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के रिलेटेड है एक एग्जांपल, और दूसरी भी जो है एग्जांपल नंबर थ्री, ये दोनों फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें हमने देखा था कि हमें जो डोमेन है वो गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो डोमेन गिवन है। ठीक है, डोमेन में कैसे एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर्स हैं, और वो ऑर्डर पेयर्स कहाँ से हमने लेने हैं, ये देखिए यहाँ पर हम पहले इसको इसकी जो डोमेन है उसको देख लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है, अगर हम इसको इक्वालिटी लगाएं, इक्वल लिखें, तो ये हमारे पास 9, यानी कि ये जो है 3 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 9 को, सॉरी 9 को लिख सकते हैं ना 3 का स्केल। तो ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन बन गई जिसमें इसका सेंटर क्या है, 0 0, और जो रेडियस है वो है 3। यानी कि जो आपने पॉइंट्स लेने हैं डोमेन के लिए वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसमें जो सर्कल का सेंटर जो है वो रीजन होगा, और रेडियस जो है फॉर एग्जांपल के वो रेडियस वो 3 होगा, और जो इस तरह का सर्कल है, और पॉइंट्स जो होंगे वो आपने लेने हैं इस सर्कल के अंदर, ठीक है, अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ऑन द सर्कल ये लिखा है ना, लेस देन आर इक्वल टू 9, यानी कि 3 का जो इसके रेडियस है वो रेडियस यानी कि वो सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं और सर्कल के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं, ये बाउंड्री पर तो 3 रेडियस के हिसाब से 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, और अंदर कौन से पॉइंट है, एक 2 है, एक 1 है, एक 0 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पॉइंट्स में देखना चाहें तो वो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी 1.5, 1.3, 2.99, 2.98, ठीक है, यानी कि ऑन द सर्कल और इन द सर्कल जो है, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारी जो डोमेन डी का हिस्सा होंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी है, एक तो हमने इसका स्केच करना है ग्राफ, दूसरा हमने ट्रेस बनाने हैं। ट्रेस कैसे बनाने हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, और ट्रेस कैसे बनते हैं ये भी आपको नेक्स्ट चल के बताए जाते हैं। जो डोमेन है वो क्या है, एक हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है सेट ऑफ, रिप्रेजेंट कर रही है ये आर स्केयर को, ठीक है, नहीं रिप्रेजेंटेड सेट ऑफ सेट आर स्केयर को, ये रिप्रेजेंट कर आर स्केयर को रिप्रेजेंट कर, यानी कि जो ऑर्डर पेयर्स होंगे जो एक्स वाई हैं वो डी में से लेंगे, और डी क्या है, डी सबसेट है आर स्केयर का, ठीक है, और आर स्केयर में कैसे एलिमेंट्स हैं, जो वो सर्कल की इक्वेशन है जिसमें ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो सर्कल के अंदर हैं और सर्कल के सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स लेने हैं हमें। जो इक्वेशन गिवन है वो है 9 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन में देखें, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में देखा जाए, द फंक्शन इज अ पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर, ये वाली जो, यानी कि अगर हम सिर्फ जस्ट इसको एक्स वाई प्लेन में देखा जाए, यानी कि थ्रू दीज पॉइंट्स 0 2 0 2 4 6 8, ठीक है, तो हमारे पास ये एक पैराबोलाइड बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पैराबोलाइड। ये यहाँ पर ये थर्ड एक्सिस नहीं है इसका, जस्ट टू एक्सिस है, ठीक है, यानी कि अगर हम जो है जी इज इक्वल टू रखें, अब देखें
ये कैसे हमें पता चला गया कि जो ट्रेस है वो कैसे हमने फाइंड करने, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगी आपने उसको लेट करना है जी की इक्वल। ये तो हमें पता है कि जो हम थर्ड चीज़ फाइंड करते हैं उसकी जगह, जैसे हम सिंगल वेरिएबल में बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं कोई भी फंक्शन एफ इज़ इक्वल टू, वो जो है वो फंक्शन को हम लिख लेते हैं एफ इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल के 2x हमारे पास एक फंक्शन है और इस चीज़ को हम लिख लेते हैं y। ठीक है, आप देखें ये तो जो एग्जाम्पल है एक्स वाई में है, इसलिए थर्ड जो है वो z आएगा ना, तो इस चीज़ को हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स वाई को z, z इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब z को हमने लेट कर लेना है k के इक्वल, यानी कि एक कॉन्स्टेंट लेट k कर लेना है। और k की कौन सी वैल्यूज़ हैं, k की यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी जो जी की वैल्यू होंगी वही के की वैल्यूज होंगी, क्योंकि हमने जी को लेट किया ना के इक्वल, तो वो जो के की वैल्यू होंगी वो 0, 2, 4 और 8, 6 और 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ये इक्वेशन बना ली है जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस k, यानी कि ये दोनों नेगेटिव थे इधर आके पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव हो गया। अब k की वैल्यू जब 0 रखेंगे, ठीक है, वो क्या आएगा, वो एक सर्कल आएगा ना, ठीक है, यानी कि पॉइंट बन जाएगा ये, यहाँ पे एक सर्कल आएगा ये इसे ऐसे करके। ठीक है, और जब हम 0 उसकी जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस आएगा, रेडियस नंबर जो आएगा वो 7 आएगा, और 7 को अगर हम रेडियस की फॉर्म में लिखें, रेडियस तो आर का स्केयर होता है ना, आर आर स्केयर लिखा होता है, तो स्केयर रूट की फॉर्म में लिखना हो स्केयर की फॉर्म में, तो हम इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम स्केयर रूट ऑफ 7। ठीक है, अगर तो कोई एग्जैक्ट नंबर होता है जैसे 4 है, 4 को तो हम 2 का स्केयर लिख सकते थे, लेकिन इसको क्या है, इसको हम जो है स्केयर रूट की फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, यानी ये ऐसे आ जाएगा तो फिर दोबारा स्केयर आ जाएगा। अब ऐसे ही ये स्केयर ऊपर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, जब आप आर स्केयर में लिखेंगे तो ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा स्केयर, और जब हम 4 पुट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी 5, यानी 5 का स्केयर रूट, फिर जब 6 पुट करेंगे ये 3 का आ जाएगा स्केयर रूट, जब 8 पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, वो 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो हमारे पास ये एक ऐसे कर्व बनेगी जिसको हम पैराबोलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी सी होगी, वैसे ये इस तरह की बनेगी। यानी नीचे से वो बड़ी होगी, ऊपर की तरफ जाते हुए ये क्लोज होती जाएगी इस तरह। ठीक है, इस तरह की जो है कर्व बनेगी। अच्छा, अब देखें जब हम ट्रेस फाइंड करते हैं तो ट्रेस फाइंड करने के लिए हम देखें जो थर्ड वेरिएबल होगा, जो इक्वेशन होगी ये वाली एक्स वाई और जो जी है, ठीक है, यानी एक्स वाई किसके इक्वल है, यहाँ पर वो इक्वल है माइनस के, यानी कि आप डायरेक्टली इसको रख लें के इक्वल। ठीक है, के क्या है, वो के इक्वल है हमारे पास 9 माइनस x² माइनस y² के। ठीक है, अब देखें यहाँ पर z है, अब जब हमने ट्रेस फाइंड करना है तो आपने थर्ड को यानी के को जो है वो, या z को जो है वो 0 रख लेना है, यानी कांस्टेंट कर देना है उसको। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो इस तरह की बनेगी एफ ओफ एक्स वाई और के की जगह हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के एक थ्रू दीज पॉइंट्स, इस तरह का एक, ये एक पैराबोलाइड का हिस्सा है, इस पे हमें एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, इस तरह करके, ठीक, और ये अगर ये इस कर्व के अलोंग जो है मूव करेगा, यानी कि ये वाली कर्व के, ये जो हमने कर्व ली है थ्रू दीज पॉइंट्स, यानी कि के जो है
वो के वाले जो पॉइंट्स हैं उसके अलोंग हमें जो कर्व मिली है, अगर ये कर्व जो है ठीक है टेस्ट में इन पॉइंट्स के गिर्द यानी कि इस कर्व के गिर्द मूव करेगी, तो जो हमें कर्व्स मिलेंगी वो उसका ट्रेस कहलाएंगी। ठीक है, जो कर्व्स होंगी वो ट्रेस कहलाएंगी। ये सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है। नेक्स्ट है इसी जो एग्जांपल को उन्होंने मज़ीद डिफाइन किया, जिसमें उन्होंने लेवल ऑफ कर्व्स फाइंड किए हैं। ठीक है, सारा कुछ सेम ही है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, पहली फॉर्म जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, और के है क्या है वो यही है जो ऊपर हमने लेट किया था। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसमें जो डोमेन है यानी सर्कल जो है वो क्या बनेंगे, के जो है वो उसका रेडियस वेरी कर रहा है 0 और 9 के दरमियान। ठीक है, पहले जब हमने के इज इक्वल टू पुट किया 8 से स्टार्ट ले रही, या 2 जो है 2 से 0 से स्टार्ट लें तो हमारे पास एक सर्कल बना ये वाला। ठीक है, ये वाला सर्कल। दूसरा जब हमने 2 पुट किया तो ये हमारे पास ये सर्कल बनेंगे। तीसरा जब 4 पुट करेंगे तो ये वाला सर्कल, 6 पुट किया तो ये वाला सर्कल, 8 पुट किया तो ये वाला सर्कल जो ओरिजिन के बिल्कुल करीबदार है। ठीक है, अब लेवल ऑफ कर्व्स क्या होती हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो भी क्वेश्चन होगी उसमें जो थर्ड वेरिएबल होगा वो इक्वल टू 0 के आपने रखना है। ठीक है, तो कांस्टेंट यानी कर देना है। इफ़ अ पॉइंट एफ ऑफ एक्स वाई और जो थर्ड पॉइंट है वो 0 हो, मूव्स अलोंग द कर्व। ठीक है, यहाँ से हमें जो कर्व मिलेगी जिसमें जो थर्ड वेरिएबल है थर्ड एक्सिस वो कांस्टेंट हो यानी वो 0 0 हो 0 हो, तो उस कर्व के अलोंग अगर कोई पॉइंट मूव करे द कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई ऑलवेज इक्वल टू के। ठीक है, यानी हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पर, ये है फंक्शन हमारे पास ये वाला। ठीक है, कह रहे कि अगर वो जितने भी फंक्शन के पॉइंट्स हैं वो इस कर्व के अलोंग मूव करें तो वो पॉइंट पुट करने से हमें जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो इक्वल टू किसके होगा, वो के की वैल्यूज के होगा। ठीक है, वी कॉल दिस फंक्शन लेवल ऑफ द कर्व। और ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ द कर्व्स। और दूसरा आ जाता है लेवल ऑफ कर्व्स में स्टीपनेस। स्टीपनेस होता है जो जहाँ पर हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8, 8 जब हमने इसमें पुट की तो हमारे पास 1 रेडियस का सर्कल है ये वाला। ठीक है, 1 रेडियस का एक सर्कल है जो नीरेस्ट टू टू द ओरिजिन है। ठीक है, इसको हम स्टीपनेस बोलते हैं, सिंपल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में आपने एक्सरसाइज जो है वो खुद सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।